हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जागृति आ गई है। आप लोग कह रहे थे जागृति दिख रही नहीं है, तो देखिए आज आ गई है। और आते ही उसने आज नाश्ता बनाया है। तो नाश्ते बनाए हैं उसने ब्रेड बॉल, तो ब्रेड में आलू भर के बनाए। इसकी रेसिपी मैं आपको बाद में दूंगी। मैं उसकी रेसिपी नहीं ले पाई क्योंकि मैं आज तबीयत ख़राब है मेरी, तो बस थोड़ा सा उसका क्लिप लिया है मैंने। और उसने आज हम सबके लिए बनाए थे ब्रेड बॉल, जिसमें उसने ब्रेड को गीली करके आलू भरे थे और उनको गोल गोल बॉल बना के तले थे। काफ़ी अच्छी बनी थी वो, बहुत ही क्रिस्पी बने थे और सबको बहुत पसंद आए। उसके बाद उसने बनाया खाना। खाने में उसने नमक मिर्च वाले पराठे, आलू की सब्जी और दाल बनाई थी। तो उससे एक दिन पहले ही मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो खिचड़ी बच गई थी। उसके पकोड़े की आपको मैं रेसिपी दे चुकी हूँ। तो ये जो है वो सुबह की क्लिप है, 2 दिन की क्लिप ले रखी है मैंने। तो जागृति बना रही है अभी खाना, और उसके बाद दूसरे दिन की आपको क्लिप जागृति की ही दिखाऊंगी, जिसमें उसने बनाए हैं उत्तपम, सूजी के उत्तपम बनाए हैं। तो अभी तो वो आज का खाना बना रही है, फिर मैं दूसरे दिन की क्लिप दिखाऊंगी आपको उसकी। और उसने दूसरे दिन भी अच्छा नाश्ता बनाया और काफ़ी मुझे आराम हो गया जब वो आ गई। तो आप सब लोग कह रहे थे कि आप थकती नहीं हैं क्या, तो थकती तो हूँ मैं भी, लेकिन जब बहू आ जाती है तो फिर वापस मेरी जो तबीयत है वो लेवल में आ जाती है। तो जागृति आ चुकी है और अब उसने किचन पूरी संभाल ली है। तो देखिए अब वो कितना फटाफट काम कर रही है। और ये है आज का क्लिप जिसमें उसने उत्तपम बनाए सूजी के, और ये घोल किया है सूजी का, जिसमें उसने नमक मिर्च डाले और दही से घोला है इसको। और ये सारी सब्जियां काटी हैं, जैसे पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, टमाटर है। तो जो भी सब्जियां आपके पास हो वही डाल सकते हैं आप इसमें। तो मिनी उत्तपम बनाए थे उसने, तो ये भी बड़े स्वादिष्ट बने थे। तो उसने तवे में थोड़ा सा तेल लगा के और उसके बाद छोटे छोटे उत्तपम बनाए। हम बड़ा उत्तपम भी बना सकते हैं, लेकिन उसने छोटे उत्तपम बनाए थे जो काफ़ी अच्छे लगे। एक तवे में 2 बन गए थे। तो देखिए आप भी कैसे बनाए उसने। तो इस घोल को उसने 10 मिनट के लिए रख दिया था और बाकी सब्जियां काट ली थी। जितने सब्जियां काटी उतनी देर में उसका घोल रेस्ट हो गया था। उस घोल का, जो सूजी का घोल होता है, उसका रेस्ट हो गया था। तो अब वो बना रही है छोटे छोटे उत्तपम। तो थोड़ा सा तेल लगाया है तवे में और ये जो घोल है वो 1 या 2 करछी डाल दीजिए। आपको जितना भी मोटा उसे बनाना हो उतना मोटा बना लीजिए। और बाकी सारी सब्जियां डाल के, आप चाहें तो इसको पलट के भी सेक सकते हैं, चाहे तो आप एक बार में सीधा ही सेक सकते हैं ढक के, लेकिन थोड़ा सा मोटा होता है इसलिए इसको थोड़ा सा उलट के सेक लिया था। तो ऊपर पहले थाली ढकती थी और उसके बाद ये काफ़ी अच्छे सिक गए थे। तो दोनों तरफ से थोड़े थोड़े सेक लिए थे जागृति ने और ये काफ़ी अच्छे बने थे। तो किसी भी सॉस के साथ आप खा सकते हैं इसे, और अगर सॉस ना भी हो तो आप कोई चटनी बना लें इसके साथ, और चटनी हरी चटनी हो या कोई भी टमाटर की चटनी हो उससे आप खा सकते हैं। और ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, गरम गरम खाया जाए नहीं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए उसे फिर जाना था क्लिनिक, तो फटाफट हम सब के लिए नाश्ता तैयार कर रही है। उसके बाद उसको क्लिनिक जाना था क्योंकि कोई केस आया हुआ था। तो दोनों ही मिलके संभालते हैं केस को, क्योंकि केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था तो दोनों को जाना था, इसलिए उसने फटाफट हम सबको नाश्ता करवाया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज आपने देखा जागृति ने नाश्ते बनाए 2 तरह के, एक दिन पहले की क्लिप है और एक आज की क्लिप है। तो अब वो गई है क्लिनिक क्योंकि कोई एक केस आया हुआ है जो 2 जनों से ही संभालता है। एमी का भाई है तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, उसको पारो हो गया है तो दोनों ही जाते हैं, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो नाश्ते बना के वो गई है तो मैंने सोचा कि चलो मैं पीछे से थोड़ा सा खाने की तैयारी कर देती हूँ। तो मैंने दाल चढ़ा दी है और बैंगन भी, जो बनाना है भुरता होता है ना बैंगन का, वो मैंने रोस्ट कर लिए हैं। ये देखिए
और दाल भी चढ़ा दी है। थोड़ी सी तैयारी कर दूंगी किचन की। वैसे मेरी तबीयत खराब हो गई, अभी 10-12 दिन से जागृति पिहर गई हुई थी तो सारा ही काम हो गया मेरे ऊपर। तो वही है कि सफाई भी करती हूँ, बच्चों को भी संभालना है, उनका नहाना धोना, उनको बार बार कुछ बना के देना। तो अब थोड़ी जागृति आई है तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। किचन थोड़ी सी वो संभाल लेती तो मुझे और बाकी काम रहते हैं, कपड़े धोना है, सफाई करना है और बाकी के सारे काम है। घर भी बार बार मैसी होता है बच्चों के साथ, तो उसको भी सेट करना पड़ता है बार बार। एमी का खाना भी है तो एमी का खाना भी बनाना पड़ता है। कभी उसको आलू दो, कभी उसको सोया बड़ी दो, कभी कुछ दो, तो पूरे दिन मतलब काम में हो जाता है। तो थोड़ी फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा कमेंट लगा अनीता चाहर जी का, अमिता है या अनीता है, तो उन्होंने कहा कि आप थकती नहीं है क्या। मैं थक जाती हूँ, थकती मैं भी हूँ। फिर मैं एक साथ ही बीमार हो जाती हूँ, ज्यादा काम पड़ जाता है तो मैं एक साथ ही फिर बीमार हो जाती हूँ। तो थकान तो आती है उम्र के हिसाब से, लेकिन काम है तो वो करना ही पड़ता है, क्या करें। करने वाली चाहे मैं हूँ, जागृति है, हस्बैंड हेल्प करवा देते हैं बहुत काम में। तो बस जागृति चली जाती है तो फिर किचन का काम भी मेरे ऊपर ही हो जाता है। तो अब थोड़ा वो आई है तो थोड़ा किचन का मुझे रेस्ट मिला, तो मुझे और काम भी बहुत रहते हैं। तो बस ये तैयारी की है मैंने, अभी आटा वाटा लगा दूंगी, इतनी देर में वो आ जाएगी तो फिर रोटी बना लेगी। और मैंने ये बस दाल चढ़ा दी है और बैंगन का भुरता बनाना है वो कर लिया है, और बाकी एमी के भी आलू उबाल दिए हैं। तो ऐसे छोटे मोटे काम होते ही रहते हैं। घर भी इतना गंदा हो जाता है ना कि बस तबीयत खराब हो जाती है तो वो घर बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि देखो तो अभी इतना फैल रहा है ना घर कि अब उसको धीरे धीरे करूंगी। अभी मेरी तबीयत खराब हो गई, कल से काफी खराब हो गई, पता नहीं ब्लड प्रेशर लो हो गया, पेट खराब हो गया, ऐसे करके मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। तो उठी हूँ, थोड़ा सा काम कर रही हूँ, नाश्ता करवा के गई है जागृति। तो अब मैंने सोचा थोड़ा सा कर देती हूँ, उसकी हेल्प भी हो जाएगी, आएगी जितने। तो मसालेदानी भरनी थी, ये भरी, ये मिनट में खाली हो जाती है। बस जैसे कल सुबह भरी थी मैंने इसको और आज सुबह बिल्कुल खाली हो गई, तो इसको भरा सारा मसाले भरे, मैंगो शेक बना के रख दूंगी मैं। और ये हो ही गया है तो बस थोड़ा सा उसको भी हेल्प मिल जाएगी। अनीता गर्ग का था शायद कि पोहे में उनके कीड़े हो जाते हैं, तो आप तेज पत्ता डाल के रखें पोहे में। मैं तो सब चीजों में तेज पत्ता डाल के रखती हूँ, मसाले में रखती हूँ, दालों में रखती हूँ, चावल में। तो आप तेज पत्ता डाल के रखिए, कीड़े नहीं होंगे। और एक बहुत दिन से कमेंट कर रही है पकौड़ी की सब्जी की, तो पकौड़ी की सब्जी मैं बनाऊंगी उस दिन, आपको जरूर रेसिपी दूंगी। वैसे बोल के बता देती हूँ कि जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं वैसे हल्की हल्की पकौड़ी बना लें छोटी छोटी, और जैसे गट्टे की ही सब्जी हम बनाते हैं वैसे ही बनानी है पकौड़ी की सब्जी। बस पकौड़ियों को बना के रखना है और फिर उसकी सब्जी, गट्टे की सब्जी बनाते जैसे बनानी है। तो जब मैं बनाऊंगी उस दिन जरूर आपको रेसिपी दूंगी। और आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। बबीता जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स डाले हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी। और बाकी सबका भी धन्यवाद कि जो मेरे अच्छे अच्छे कमेंट डालती हैं और मुझे मम्मी कहती हैं, क्योंकि प्राची की वजह से सब मुझे मम्मी कहने लगी। तो आप लोग प्राची शिप्रा के जो ब्लॉग देखती हैं तो सब मेरे पास भी आ चुकी हैं, और जो नहीं शिप्रा के ब्लॉग में गई हो तो अब जा सकती हैं आप। मेरी बेटियों के ब्लॉग्स में ज्यादा जानकारियां आपको मिलेंगी, क्योंकि मैं तो छोटे मोटे ब्लॉग बनाती हूँ, वो लंबे ब्लॉग बनाती है,
और वो बहुत ज्यादा जानकारी देती हैं अपने ब्लॉग्स में, तो आप उन दोनों के ब्लॉग्स में जरूर जाइए, शिप्रा वर्ल्ड और प्राची किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर, उधर से तो आप आई हैं मेरे पास, तो इन दोनों के जो ब्लॉग्स हैं उनमें आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी और बहुत रेसिपी मिलेंगी आपको। और बच्चों के भी चैनल है, आप बच्चों के चैनल में आइए, दोहिता दोहिती के चैनल भी है, उनके चैनल में भी जाइए जरूर, वहां भी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। मेरे बेटे का भी चैनल है वेट मंत्रा के नाम से, उसमें जो भी लोग डॉग रखते हैं वो जरूर देखें, और वैसे भी आप देख सकते हैं उसका चैनल, उसमें भी बहुत अच्छी जानकारियां आपको मिलेंगी। तो हमारा सारा घर यूट्यूबर ही है, तो आपको बहुत सी जानकारियां मिलेंगी हमारे सबके चैनल से, तो जरूर देखिएगा हमारा सबका चैनल। अच्छा, तो इसमें मैं ये कपड़ा क्यों लगाती हूँ, क्योंकि ढक्कन टूटा हुआ है मेरा, इसलिए कपड़ा लगा देती हूँ, तो ये मतलब फैलता नहीं, तो सारी जगह फैल जाता है। क्या बेटा, चीलू का पानी गरम कर दो कैसे? अभी करते हैं। थक्का पानी गरम करके आ रही हूँ, गीजर लगा के अभी बहू और बेटा तो आएंगे और फिर नहाएंगे, उसके बाद कुछ वो खाना वाना बनाने में लगेगी, इतने में तैयारी कर दूंगी, क्योंकि अभी जिसका वो इलाज कर रहे हैं पारो वायरस है उसे, तो पारो हो सकता है एमी के लग जाए अगर, तो फिर वो लोग आके नहाते भी, और कोरोना भी है तो आके नहाना पड़ता है, तो दोनों आके नहाएंगे अभी, इतनी देर में मैं खाने की तैयारी कर देती हूँ, ये ऐसे करके मेरा पूरा दिन निकल जाता है। तो एक झंकड़ा जी हैं, वो कहते हैं कि ईलू आपके यहाँ बैंगन का भरता खा लेती है क्या? वो अपनी मम्मी के यहाँ नहीं खाती है, तो वास्तव में वो मम्मी के यहाँ नहीं खाती, यहाँ भी उसको नहीं भाता है, लेकिन आज हमने उसके लिए दाल भी बनाई है, तो दाल के साथ वो खाना खा लेती है, या और भी कई चीजें होती हैं साथ में खाने के, तो थोड़ा बैंगन का भरता लगा लेती है और थोड़ा दाल वगैरह से खा लेती है, लेकिन यहाँ वो वैसे भी कोई जिद नहीं करती है। पहले ही कह जाती है किचन में कि नानी या मामी दूसरी चीज मत बनाना मेरे लिए, मैं उसको ही खा लूंगी जो आप बनाएंगे, तो ये आदत उसकी बहुत अच्छी है। तो बस खाना सारा तैयार कर दिया मैंने, थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई, तो एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा, तो मैं पूरे दिन नहीं उठ पाई थी, आज थोड़ी ठीक है तो उठ गई और मैंने थोड़ी सी तैयारी कर दी। मेरा मानना ये है कि अगर बहू क्लिनिक गई है या कॉलेज गई है तो ज़रूरी नहीं कि वो ही आके सारा काम करे, कुछ तैयारी मैं भी कर देती हूँ, या कभी पूरा खाना ही बना देती हूँ, या तैयारी कर देती हूँ तो आके उसको आराम रहता है। हालांकि वो बेचारी बहुत कहती है कि मम्मी मत किया करो, जब तबीयत ख़राब हो तब तो कम से कम छोड़ दिया करो काम को, लेकिन मुझे जैसे मेरी बेटियां लगती हैं वैसे ही मेरी बहू लगती है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आते ही उसको काम दिखे, फैला हुआ काम, क्योंकि इन चीज़ों से हम सब गुजरे हुए हैं, और ये चीज़ें मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बहू पर भी लागू करूँ। जैसे सिंक कभी मैं भर के नहीं रखती हूँ बर्तनों की, जितने बर्तन अभी मैं काम लूँगी उन बर्तनों को मैं साफ़ करके रख दूँगी, भरी हुई सिंक कभी भी अच्छी नहीं लगती है। अगर बहू बेटी हमारे घर में हैं तो ये नहीं कि उन्हें ही सारा काम करना पड़े, उनसे हमें काम करवाना चाहिए, काफ़ी हमारी हेल्प उनको रहनी चाहिए, जिससे उनको हमारे घर का माहौल ससुराल न लगकर पीहर जैसा ही माहौल लगे। तो इसके लिए मैं हर बात सोच समझ के और फिर अपनी गृहस्थी को चलाती हूँ। तो मैंने सारी तैयारी कर दी है, बैंगन का भरता बना दिया, दाल तैयार कर दी, मैंगो शेक तैयार कर दिया, आटा तैयार कर दिया, तैयारी कर दी है, बहू आके रोटी बना लेगी, मैं धोती हूँ बच्चों के कपड़े, बच्चों के, मेरे, इनके, और एक दो मेरा बेटा भी यहीं छोड़ जाता है कपड़े, तो वो भी धो दूंगी,
तो जब कपड़े धोती हूँ तो जो रखे होते हैं कपड़े उन सबको ही धो देती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने और बाकी का काम, रोटियों का काम है बहू संभाल लेगी। तो बहू आ गई और उसने फटाफट फटाफट गरम रोटियां बना के सबको खिलाई और इस तरह से बस हमारा सारा काम हो गया।